एक साहब मुझे बता रहे थे कि एक सड़क छाप रोमियो, सिगरेट बीड़ी पान गुटखा खाने वाला, आती जाती लड़कियों पर भद्दे कमेंट करने वाला, जिसकी अटेंडेंस कॉलेज में हमेशा शॉर्ट रही, टीचर्स से गाली गलौज करने वाला, गली मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई झगड़े और मारपीट करने वाले परफेक्ट आवारा लड़के की शादी के लिए जब उसके घर वाले लड़की देखने गए तो उनका कहना था कि लड़की संस्कारी होनी चाहिए। फिर उसकी शादी हो भी गई और शादी के बाद घर में गाली गलौज, मारपीट और बुरी आदतों से तंग आकर वो लड़की घर छोड़कर चली गई। तब भी इसके घर वालों का कहना था कि लड़की के संस्कार अच्छे नहीं थे, वरना ससुराल वाले जैसे रखें उसको वैसे रहना चाहिए। ठीक ऐसे लोगों के लिए, खास तौर से और उन लोगों के लिए भी जिनके बेटियां हैं, बहनें हैं, भांजियां हैं, भतीजियां हैं, श्री तुषार शुक्ल जी की एक रचना जो मूल रूप से गुजराती भाषा में है, उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि नहीं, आप मेरी बेटी को अपनी सहूलत के हिसाब से नहीं रख सकते। मैंने कई पिता से अपने दामाद और उसके घर वालों को ये कहते हुए सुना है कि आज से हमारी बेटी आपकी हो गई, आप इसको जैसा चाहें वैसा रखें, पर नहीं, अब नहीं, मेरी बेटी आज भी मेरी है और ताउम्र मेरी रहेगी। जैसे आपका बेटा एक अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए शादी के बंधन में बंधा है, ठीक वैसे ही मेरी बेटी ने भी एक सच्चे हमसफर की चाह लेकर आपके बेटे की शादी के बंधन को स्वीकार किया है। जैसा आप चाहते हैं कि मेरी बेटी आपकी अपेक्षाओं पर पूरी उतरे, ठीक वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि आपका बेटा भी मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। जैसा आप चाहते हैं कि मेरी बेटी आपके बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करे, मैं भी चाहता हूं कि आपका बेटा भी मेरी बेटी के हर सपने को साकार करे। याद रहे कि वो अपना घर बदल रही है, अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व नहीं, यानी अपनी पहचान और अपना नाम नहीं। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि उसका कोई नहीं है। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, ये पुराने दिनों की बात है, अब जमाना बदल चुका है। मैं पिता हूं उसका, जब जब उसे मेरी जरूरत होगी तब तब मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। शुक्रिया तुषार शुक्ल जी आपका इस रचना के लिए। दोस्तों, आमतौर पर अगर देखा जाए, हम अपने घर की बेटियों को अच्छी से अच्छी तरबियत देते हैं, लेकिन बेटों के मामले में कभी कभी कुछ लोग कहीं कहीं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लीनियंट हो जाते हैं। पर दोस्तों, आने वाले वक्त की मजबूत नींव के लिए हमें अपने बेटों को भी अच्छी से अच्छी तरबियत, अच्छे से अच्छे संस्कार देने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी बेटियों को देते हैं। क्योंकि धुआं इधर से उठे या उधर से, पॉल्यूशन तो फैलाता ही है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।